हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, जैसे कि ये सेकंड पार्ट है साइकिल मॉडिफिकेशन का, तो जैसे कि देख सकते हो फ्रेम तुम्हारे बाइक के हाथ में, बाकी सारे पार्ट्स नीचे लगे हुए हैं। इसके बाद आज हम साइकिल को पूरा पूरा ही चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल इसकी काया पलट कर देंगे। अभी जैसे देख सकते हो ये अलग अलग कलर हो रहे हैं इसमें, इसको हम कलर जो करने वाले हैं आगे वीडियो में आप देखना कि कौन सा कलर होने वाला है। बाकी सारे पार्ट्स अलग हो चुके हैं, क्लीन कर दिए हमने। बाकी अब एक काम रह गया, इनमें जो ये जो बेयरिंग्स की टेपिंग होती है वो करेंगे टेपिंग, ताकि इनके अंदर पेंट ना जाए। बाकी सीधा चलते हैं आपको करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये अपना पूरा फ्रेम अलग हो चुका है, और ये बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद वो शॉकर पड़े हुए हैं, और ये मैं एक सेकंड यहाँ से निकालता हूँ। ये देख सकते हो ये इसके पैडल और क्रैंक, ये देख सकते हो ये सिस्टम। ये हम लाए हैं सैंड पेपर, और ये स्प्रे पेंट्स हैं, और ये नकली वाले नहीं हैं, ये मैं बढ़िया वाले मंगाए थे मार्केट से। और ये सीट, इसमें भी देखो बहुत रस्ट हो रखा है। और बाकी ये सैंड पेपर हम ये रस्ट वगैरह जो भी रस्ट हो रखा है वो घिसने के लिए लाए हैं। देखो जैसे देख सकते हो इसमें भी हल्का हल्का रस्ट आ गया है, तो इसको घिसेंगे इससे और फिर इसमें कर देंगे सिस्टम। और ये रहा अपना डब्बा, इसमें भी कुछ कुछ पार्ट जो पुराने से लग रहे हैं उनको भी हम कलर करेंगे। बाकी चलो फटाफट टेपिंग करते हैं और इन सब में मारते हैं कलर। तो भाई लोग, हमने फ्रेम को उस दिन क्लीन तो कर दिया था, बाकी यहाँ पड़े पड़े थोड़ी डस्ट वगैरह जो आ गई थी। चीनू भाई हमारा बिल्कुल फुल इसको क्लीन कर रहा है, और इसमें टेप दिखा दी, टेप लगाई है जो हमने। भाई लोग ये देख सकते हो टेप वेप लगा दी हमने फुल, ठीक है, ताकि इसमें ये जो यहाँ पे बैरिंग लगते हैं उनमें पेंट वगैरह ना जाए और बाद में रिमूव करने का चक्कर ही ख़त्म। इसके बाद अब मैं सिर्फ ये देखो, अब ये जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो ये है इसको घिसने का सैंड पेपर से, ताकि ये रस्ट निकल जाए। अब फटाफट तुम्हें इसको घिस के दिखाता हूँ, और इसमें करेंगे मैट ब्लैक कलर। ये देख सकते हो सीट, ये पूरा जंग लगा हुआ था इस पर, ये देखो ये इतने घिस घिस के, ये सारा इसका पेंट निकल चुका है, ये रस्ट इतना ज़्यादा हो चुका था पेंट निकल गया। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही पेंट रिमूव करूँ, फिर अच्छे से दोबारा से ही फ्रेश कोट करूँ। हैंडल के साथ भी यही सीन हुआ, देखो मेरे को लगा रस्ट निकलेगा, बट देखो ये पेंट भी निकलने लगा। तो मैंने जितना पेंट निकल रहा था उसको निकाल दिया, ज़बरदस्ती नहीं करा, वो बेस कोट का काम करेगा ताकि। बाकी ठीक है, इसी के ऊपर हम करेंगे। बाकी हैंडल रेडी हो गया है, इसको रेडी करता हूँ बस, उसके बाद भाई सीधे हम जाएंगे फ्रेम की तरफ और पूरा फुल पेंट कर देंगे। भाई लोग, चीनू भाई को हमने मैदान में उतार दिया है पेंट करने के लिए। पहला टेस्ट हम देखो इस पर कर रहे हैं, ये सीट का जो क्या होता है डंडा, सीट का जो बार होता है वो है ये। और देखो इसको हमने मांझा बांध दिया इधर, ताकि इसको हम चारों तरफ से ढंग से पेंट कर सकें, हाथ वाथ ना लगाना पड़े। और देख सकते हो भाई, चल मार दूर से, थोड़ा दूर से एक सिंगल कोट। ओ भाई बहुत ही बढ़िया, कत ही स्वाद ही आ गया बिल्कुल। एक सेकंड, और दूसरी तरफ से जा मार। अरे बदबू, नीचे 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 बैठ के मार, नीचे बैठ के मार, नीचे रह गया, नीचे नीचे की साइड रह गया। अब तुम्हारे भाई को जिसका ना बेसब्री से इंतजार था ना पेंट करने का, भाई वो मोमेंट आ चुका है। अब देखो देखो, हमने फ्रेम टांग दिया, मंजा बांध दिया, इस पर मस्त धागा बांध दिया, ये रहा अपना ग्रे पेंट। और अब जो इसको एक बार थोड़ा स्टेबल होने दो, ठीक है। अब देखो गाइस, जो रियर पार्ट था उसका देखो फर्स्ट कोट हो चुका है, बाकी ये सूख जाएगा। उसके बाद देखते कहाँ कहाँ जो मिसिंग पार्ट रह गया, दोबारा एक सिंगल कोट और होगा उसमें हो जाएंगे कवर। बाकी ये रहा अपना मेन फ्रेम, इसमें करते हैं फटाफट। दोनों फ्रेम डन हो चुके हैं, बाकी इसमें कुछ कुछ जगह पे ना ग्रीन पार्ट रह गया, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स पार्ट है। बाकी अब चीनू भाई इसमें टचअप करेंगे फाइनल। चलो देख सकते हो भाई क्या फिनिशिंग आई है, मतलब देख रहे हो, ये नॉर्मल वाले स्प्रे नहीं थे। जब कभी भी आपको किसी को करना हो ना पेंट, तो F1 वाले करके स्प्रे आते हैं मार्केट में, भाई बहुत घटिया क्वालिटी, उनमें निकलता भी कुछ नहीं है। बाकी ये क्यूब के स्प्रे लाया था मैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, और देखो फिनिशिंग आपके सामने है यार। और ये स्प्रे का रेट सब कुछ मैं एंड वाले वीडियो में, जिसमें मैं सारा डिटेल बताऊंगा मैंने कितना खर्चा लगा क्या लगा सब कुछ बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। बाकी आप अभी पेंट कलर देखो, मैट ग्रे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। बाकी हमने इसको छत पे आके करा है, देखो इस तरीके से आप चारपाई या किसी चीज़ पे बांध लेना, इससे क्या होगा प्रॉपर आपको दिक्कत नहीं होगी फ्रेम को मूव करने में। बाकी धूप में अच्छे से सूख भी जाएगा, अभी हल्की हल्की धूप भी आ रही है। ये सारा क्रेडिट जाता है चीनू भाई को,
क्योंकि अगर ये हमारी वो एक्साइटमेंट को बढ़ावा ना देता तो मैं करता भी नहीं, आलस आ जाता मुझे। तो भाई इसको शाउट आउट फुल। तो गाइस जो मैटलैक वाला हम स्प्रे लेकर आए थे वो ख़त्म हो चुका है, उस पर कुछ भी कवर नहीं हुआ। दुकान वाले ने हमें बोला था कि भाई मतलब स्प्रे ले लो, इसमें तुम्हारा काम चल जाएगा, बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन भाई उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो हम शॉप पे जा रहे हैं, अगर चेंज करता है तो ठीक है, नहीं नया लेकर आते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। भाई जब लोग काम करके थक जाते हैं तो इनको खुराक चाहिए होती है, और भाई ये स्पेशल समोसा लेकर आया है अपने लिए। और भाई लोग देखो, जो हमारा लास्ट वाला पेंट था हमने चेंज करा लिया, उसके बदले हम ये F1 वाला ही लिया है, क्योंकि वो भाई इसके उसके पास और कुछ था भी नहीं, तो हमने उसके रिप्लेसमेंट में 70-80 रुपीस का था, ये भी उसके इक्विवेलेंट था, ये ले लिया। बाकी हम ये मैट ब्लैक का एक नया बॉक्स बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लाए, देखो मैट ब्लैक 950 क्लार्क्स। और हमारे दादाजी उधर, ये देखो इनको, दादाजी हमारी साइकिल का वेट कर रहे हैं। तो गाइस फटाफट अब इस हैंडल बार पर करके दिखाते हैं। भाई लोग वो मैट ब्लैक जो लास्ट हमने स्प्रे यूज़ करा था वो ख़त्म हो गया था, अब हम देखो ये नया लेकर आ गए हैं। देखो इसके खोलेंगे हिसाब के, और ये देखो हमने निकाल दिया इसको, और ये ऐसे अब दिखाओ। अब हम इसमें सबसे अब हम पेंट करने वाले हैंडल बार को। हेलो, ये जो टी होता है हैंडल बार का, इसमें हैंडल लगता आगे ऐसे, ये पूरा रस्ट हो चुका है। इसको अब हम इस ये 180 ग्रेड का एमरी पेपर लाए हैं, ये क्या बोलते हैं, जो भी इसको बोलते हैं, तो इससे हम उसको पूरा घिसेंगे। प्लस ये हमारा शॉकर है, इसको भी हम मैट ब्लैक करने वाले हैं, ये सारा हम घिसते हैं, और फटाफट आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। हमारे रियो भैया भाई लोग, इसमें हमने स्टिकर चिपका रखे थे, उसकी वजह से देखो स्मूथनेस चली गई थी हमें, क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा, अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो भाई जो पेंट की लेयर है अनइवन होगी और फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए इसको हम घिसेंगे बढ़िया से। रुक जाओ दिखाता हूँ आपको घिस के। अरे देखो ये पेंट भी देखो कितना ख़राब हो चुका है, ये इतनी आसानी से निकल रहा है, ये देखो रेड 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 हो गया बिल्कुल। देख सकते हो यार, इसको सुखाने के चक्कर में तब से पकड़ के बैठे हुए हैं। ये देखो चीनों को देखो, ये जो गद्दी का डंडा होता है ये सीट का, उसमें हमें पेंट किया उसके, ये देखो तब से बैठा हुआ है लेके, ये देख सकते हो सूख रहा है ये सिस्टम। और भाई ये अभी शॉकर अभी पेंडिंग है, इसको भी करेंगे पेंट भाई की एप्स। और भाई ये चिमटा, अभी हमने चिमटा कर दिया, अभी इसका आधा पार्ट रह रहा है, ऊपर का जो है ये ब्लैक करना रह रहा है, ठीक है भाई। ये देख सकते हो ये पार्ट्स इधर सूख रहे हैं सारे, अलग अलग कर रखे हैं हमने पेंट में, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो ये सारे पार्ट्स हैं, इनको भी छोटे छोटे पार्ट्स को भी मैट ब्लैक करना पड़ेगा। तो भाई ये हमने सोचा था कि आधा एक घंटा दो घंटा मैक्सिमम लगेगा, लेकिन भाई आज का दिन पूरा भी दिया, लेकिन ये भाई पेंट प्रोसेस कम्प्लीट ही नहीं हुआ। भाई लोग अब सबसे मेन काम जो चीनू करने वाला है, चीनू दिखा दे इनको एक बार तगड़ी चीज़ दिखा देगा। अरे निकाल निकाल निकाल, ये देखो ये देखो भाई, ये चादर में मैं इसको चादर में बांध के रख दूंगा ताकि भाई इस पर स्क्रैच स्क्रैच ना आए, बाकी जितने पार्ट्स है सूख के फटाफट। आज है डे टू और पेंट का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखो भाई लोग चीनू भाई, और ये देख सकते हो टायर भाई, अब सिर्फ रिम्स और ये स्पोक्स हमें पेंट करने हैं, इनको भी हम धो के ले आए हैं और फुल सेट कर दिए हैं, बस कुछ कुछ पार्ट्स हैं यार छोटे छोटे जो पेंट के लिए रह गए हैं, बाकी यार समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा था दो तीन दिन में खोलेंगे पेंट करेंगे वापसी फिट कर देंगे, लेकिन चिनू भाई कितने दिन हो गए हमें, चार दिन और भाई मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बीच बीच में टाइम थोड़ा जो मिल रहा है उसी में कर पा रहे हैं। बाकी आज हम रिम्स पेंट करेंगे, फ्रेम का सेकेंड कोट मारना है, लेकिन आप जैसे पीछे देख सकते हो धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं फोकस कर दिखाता हूँ, देख सकते हो पूरा फुल बारिश का जो मौसम हो रहा है भाई, उसने सब स्पॉइल कर दिया। छत पे जाके हमने भाई अपना पूरा सेकंड कोट मारना सोचा धूप में करेंगे, लेकिन नहीं, तो फ्रेम हम करेंगे कल पेंट, आज हम सिर्फ साइकिल के जो टायर्स हैं ये पेंट करेंगे और बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो करते हैं। तो चलो अब आप पेंट होते हुए देखो। तो भाई लोग रिम्स जो होते हैं भाई, वो भी हमने सोचा आप जब खोल ही रहे हैं तो ढंग से मैट ब्लैक कर दें, क्योंकि कहीं कहीं देखो स्क्रैचेस आ रहे थे बहुत सारे,
ये देख सकते हो हमने इसमें ना न्यूज़पेपर फिट कर दिया है। देखो खुलवाने जाते हैं, अभी बारिश भी हो रही है बाहर, खुलवाने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले खुलवाओ फिर दोबारा लगवाओ, और जब वो इसको चढ़ाएंगे वापसी टायर को तो फिर से स्क्रैच आने के चांसेस। तो हमने सोचा भाई ये जुगाड़ लगाया हमने, इसमें न्यूज़पेपर फंसा दिया हवा निकाल के टायर की, तो अब बस इसको फटाफट करते हैं इसको पेंट। तो भाई लोग पूरा न्यूज़पेपर ये पेंट करते टाइम वो कैंस पड़े हैं स्प्रे कैंस, वो देखो ये जो लीवर्स पड़े हैं ये देखो, ये अभी पेंट होने बाकी हैं, बाकी वो एक टायर हो रहा और दूसरा टायर हो रहा। ये देखो कितना सेक्सी लग रहा है, फुल मैट ब्लैक, फुल बीस्ट वाली फीलिंग आ रही है देखो। तो फटा ये भाई हमारी टूल किट है और इस बॉक्स में सामान पड़ा है, सारी अटैचमेंट्स। चलो गाइस करते हैं कंप्लीट पेंट को और अब आपको मिलते हैं कल सीधा फ्रेम पेंट करते हुए। तो भाई लोग सेकंड कोट हम करने वाले हैं, मौसम बड़ी मुश्किल से थोड़ा खुल गया है, बस होप करता हूँ कि अब आधा एक घंटा ऐसे ही रहे हमारा कोट सूख जाए। अब सेकंड कोट मारेंगे जो कि फाइनल कोट है। देखो मैं एक एक्स्ट्रा लेकर आया था, देखो ये सील लगा दी इसकी हमने साइड, अब इसको फटाफट मार के दिखाता हूँ सेकंड कोट। नीना ये देखो ये कैमरे में नहीं आ रही, ये अपने ये सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, आते ही नहीं कैमरे पे। हाँ यहाँ पे आ तो सही, आ तो एक बार ऑडियंस को एक बार बता दो हमने क्या क्या काम कर लिया है। आ जाओ बेटा फटाफट आ जाओ। तो आए हमारे हेड मैकेनिक, तो बता चीनू क्या क्या काम रह गया है। बस असेंबली रह गया, बाकी सब हो चुका है भाई लोग। थर्ड नहीं, हमने चार कोट मारे साइकिल पे ताकि पक्का रहे रंग, और फिनिशिंग बहुत तगड़ी आई है। बाकी सारे पार्ट्स आज ही हम असेंबल करा देंगे, इस वीडियो पे असेंबली नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये वीडियो प्रॉपरली पेंट प्रोसीजर पे था, नेक्स्ट वीडियो में अपनी साइकिल पूरी स्टिकर वर्क सब कुछ करवा करू के तभी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में रिवील होने वाली है हमारी, नाम अभी नहीं बता रहे, नाम नेक्स्ट में बताएंगे, नाम रखा है बहुत भयंकर, ठीक है। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत लग रही है। बाकी जिसने जो भी कोई भी चैनल पर नया है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो गाइस चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बेल आइकन भी बजा देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइकिल रिवील करते हुए। टिल देन बाय।